एक विंग है, यूनियन का 18 विभाग है, 18 रजिस्ट्रेशन है और 18 रजिस्ट्रेशन का पूरा बैलेंस शीट, उनका अकाउंट्स, उनका स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स सब फाइल प्रॉपरली ऑथेंटिकेटेड ऑडिट होके जब लेबर डिपार्टमेंट में और जब अकाउंट्स फाइल करता है तो उनका प्रॉपर छानबीन होने के बाद ही होता है। आज तक कहीं पर भी कहीं दाग नहीं है और अभिजीत राणा जी इतना श्रूड है काम करने में कि उनका पूरा ध्यान, भले उनका शरीर किधर भी हो, उनका आत्मा इस यूनियन के साथ ही रहता है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का ताकत इस यूनियन की वजह से भी है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। भले बीजेपी ऑल इंडिया नेशनल पार्टी है लेकिन फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, ये केवल लेबर डिपार्टमेंट ही कर सकता है। आज आप जानते होगा कि महाराष्ट्र शासन में भी हमारे लेबर मिनिस्टर होता है, महाराष्ट्र शासन में लेबर डिपार्टमेंट है, महाराष्ट्र शासन में लेबर कोर्ट है। ये किसके लिए? कामगारों के लिए। और ऐसे कामगारों का काम करने के लिए एक पुराना लीडर, मेरा तजुर्बा है जब मैं डॉक्टर दत्ता सामंत के साथ काम करता था, मेरा तजुर्बा है जब मैं भारतीय जनता पार्टी का जेवंत परब के साथ में काम करता था, मेरा तजुर्बा है जब मैं शरद राव उनके मुंबई लेबर यूनियन और उनके हिंद मजदूर किसान पंचायत का मैं उपाध्यक्ष था। अब मेरा पूरा ताकत, मेरा तजुर्बा, मेरा पूरा विश्वास एक ही लीडर के ऊपर है, ऑल इंडिया लेवल में वो है अभिजीत राणे। और अभिजीत राणे जब तक है यूनिट के अंदर ताकत ही ताकत है, क्योंकि मैंने खुद आजमाया है कि कामगार चाहे नाना तो हॉस्पिटल में हो, केईएम हो, कहीं से भी कोई जिसको उसको एडमिट करता है तो पैसा पहुंच जाता है अभिजीत के पास, साहब हमारा मदद करा फाइनेंशियली, साहब हमारा कशे करो, इतने बेड मिलोन दिया, इमीडिएटली उसका काम होता है। और क्या चाहिए अपने को बोलो, पुलिस स्टेशन तो होता ही है, हर डिपार्टमेंट में होता है और हर जगह से होता है, लेकिन मेन मतलब क्या है? अवेलेबिलिटी। अब कोई भी आदमी, इनको ना घमंड है, ना अहंकार है, ना कुछ नहीं है, इनका एक ही लक्ष्य है काम होना चाहिए, जैसा होना चाहिए, किधर से होना चाहिए मालूम नहीं, लेकिन एक बार उन्होंने मन में लिया कि इसका काम होना चाहिए तो होना ही चाहिए। और एक बार उसने मन में लिया इसको धड़ा सिखाएगा तो उसको स्मशान भी पूछेगा और छोड़ेगा नहीं, ऐसा कामगार नेता है अभिजीत राणे, दिल का एकदम राजा है, बोला है। और मैं ज्यादा बातें करूंगा क्योंकि देखिए सबको नौकरी चाहिए, सबको रोजी रोटी चाहिए और जब रोजी रोटी मिलता है, नौकरी मिलता है तो उनको विश्वास होना चाहिए कि हमारे पीछे कोई ऐसा यूनियन खड़ा है जो कभी भी हमारे पे अन्याय होगा तो हमारे लिए आके खड़ा होगा। और मैं दिल से बोलता हूं कि यहाँ पर जितने भी उपस्थित महिला हो, जो मेरा भाई भी बंधु कामदार बंधु यहाँ पर जितने भी उपस्थित है, ये केवल प्यार प्रेम से आया है। आज एक बड़ा निर्णय लेना है कि हमको देखिए, रोज हम रोटी खाएगा तो मजा नहीं आएगा, कभी कभी थोड़ा चेंजेस भी मांगता है। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि विनोद शेलार जी को आज का इस सभा में इतना ही करना है कि माहौल चेंज होना चाहिए, विनोद शेलार जी आना चाहिए अमदार करके। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है अगर कोई बच्चा को एडमिशन बनता है कोई बड़ा कॉलेज में तो पहला उत्साह वो बच्चा इंटेलिजेंट है, एकदम होशियार है, एकदम इंटेलेक्चुअल है, लेकिन जब उसका एड्रेस में पढ़ता है मालवाणी तो दो बार सोचते हो अरे 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 मालवाणी, रातोड़ी, खारोड़ी, सब मैं बोलना नहीं चाहता हूँ नेगेटिव, लेकिन वो एक थोड़ा सा अलग ढंग से देखता है। नेता कैसा हो, रोसलाल जैसा हो, कामगार का नेता कैसा हो, जीत राणे जैसा हो, कामगार का नेता कैसा हो, जीत राणे जैसा हो, जीत राणे साहब आगे बढ़े हो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारा यूनियन का नेता कैसा हो, जीत राणे जैसा हो, मालोनी का नेता कैसा हो, रोसलाल जैसा हो, भारतीय जनता पार्टी जैसो। धड़क का कामगार यूनियन महासंघ और गए 15 दिन से लगभग पूरे महाराष्ट्र में 20 से ज़्यादा महासभा लेने का इतिहास जो यूनियन ने किया उसका नाम धड़क कामगार यूनियन। हम सब महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री
आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी के मार्गदर्शन में गए 20 साल से ये यूनियन चला रहे हैं। आज हमने आदरणीय विनोद शेलार जी जो मालाड मालवणी के, मुझे लगता है, मुझे पूरा विश्वास है, आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी के मार्गदर्शन में महाराष्ट्र में चुनाव लड़ा जा रहा है। महायुति का चुनाव आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे, आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस, आदरणीय अजीत पवार जी, ये तीनों भी बहुत दमदार नेता है। महाराष्ट्र में लाड़की बहन की योजना हम सब महिलाओं तक पहुंची हुई है। आज हर महीने 1500 रुपए आप सबको मिल रहे हैं और निश्चित तौर पर हम ये चुनाव जीतेंगे। महाराष्ट्र में फिर एक बार महायुति की सरकार आएगी और आप सबको 2100 रुपए हर महीने मिलेंगे। मैं हमारे जो समझदार से ज्यादा हाथ पर काम करने वाले जो कर्मचारी है, कामगार है, उनको न्याय देने का काम विनोद जी के माध्यम से होगा। वो थोड़ी ही देर में इधर आने वाले हैं। मैं आप सबको आश्वासित करता हूँ, मैं कोई आक्रामक भाषण नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे नेताओं से बहुत उम्मीद है। पहले के नेताओं पे नहीं थी, मगर जो देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में काम करने वाले नेता हैं, वो बोलते हैं तो करके दिखाने की हिम्मत रखते हैं। और मैं भी उनका एक साधारण सिपाही हूँ। यहाँ पर आपने देखा होगा, धड़क कामगार यूनियन कार्यकर्ता नहीं बनाती, नेता बनाती है। आप कितने लोगों को इंग्लिश समझता है मुझे पता नहीं, मगर धड़क कामगार यूनियन कार्यकर्ता नहीं बनाती, नेता बना। वी डोंट बिलीव इन क्रिएटिंग फॉलोअर्स, वी बिलीव इन क्रिएटिंग लीडर्स। यहाँ पर जितने लोग अलग अलग भिन्न भिन्न क्षेत्र में काम करने वाले लोग यहाँ पर बैठे हैं, हमारे मित्रों, इतने बड़ी संख्या में आपको देखकर बहुत प्रसन्नता हो रही है। ये चुनाव विनोद शेलार को एमएलए बनाने के लिए नहीं है, ये चुनाव बीजेपी का एक एमएलए बनाने के लिए भी नहीं है, ये चुनाव महायुति का भी एमएलए बनाने के लिए नहीं है, ये चुनाव मलाड को बचाने के लिए है। मेहरबानी करके भी घोषणा मत दो, ये चुनाव मलाड का विकास करने के लिए है। मित्रों, ये चुनाव मलाड को समाज विघातक शक्तियों से बचाने के लिए है। याकूब मेहमान नाम का एक आतंकवादी जिसको फांसी दी जा रही थी, आज से कुछ साल पहले तब कुछ लोगों ने राष्ट्रपति जी को दया की जब याचना हो गई, तब उस याकूब मेहमान की फांसी रद्द करने के लिए एक लेटर राष्ट्रपति को लिखा गया और उस लेटर में क्या करेंगे ये भी हमने बताया। इसके लिए मैंने कहा मैं मलाड को ड्रगबूत बनाऊंगा, मैंने ऐसा नहीं कहा मलाड ड्रगबूत बनेगा, मैंने कहा मलाड को 4 महीने में मैं ड्रगबूत बनाऊंगा। तो मैंने मेरे लिए भी टाइम लिमिट बताई, उनकी नाका में अभी बताई
मंत्री बनने के बाद भी वो ड्रग्स बूट नहीं बना पाए। मैंने कहा उन्होंने 12 साल से अस्पताल नहीं बनाया, मैं आने वाले 6 महीने में उनके अस्पताल बीएमसी का बनाकर उसका लोकार्पण करवाऊंगा। तो बहुत सारी बातें मैंने उजागर उनकी की है, लेकिन साथ ही मैं क्या करूँगा, मेरा एजेंडा क्या रहेगा, मेरे पार्टी का एजेंडा क्या क्या रहेगा, ये भी हमने स्पष्ट रूप में लोगों के सामने रखा है। आप दोनों का जो सोशल मीडिया पर वार चल रहा है, उसको कितना देखते हैं? आप जहाँ पे आरोप लगाते हैं सोशल मीडिया पर असलम जी पे, जवाब देते हैं, आप दोनों का जो वार चल रहा है सोशल मीडिया पर, उसको जनता किस तरह से देखती है और आप किस तरह से देखते हैं? पहले तो कोई वार भी मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं तो वास्तविकता बता रहा हूँ। आप मुझे बताइए, बलाड़ में जगह जगह पर कचरे के ढेर नहीं है क्या? आपको भी देखते हैं बलाड़ में सब जगह गटर भरे हुए है क्या? वो है। बलाड़ में टूटे फूटे रास्ते हैं तो है, बलाड़ में ट्रैफिक प्रॉब्लम है तो है। तो ये वास्तविकता है, अगर चुनाव में भी वास्तविकता नहीं बताने की तो कभी बताने का। और मैं वास्तविकता का चुनाव बता चुनाव में खड़ा हूँ, वास्तविक चुनाव का प्रचार कर रहा हूँ, कोई कपोल कल्पित बात नहीं कर रहा। तो हकीकत बताने में अगर चुनाव में नहीं बताएंगे तो कभी बताएंगे? और मैं ये मेरी जनता से बोल रहा हूँ, मैं कोई वार भी नहीं करता हूँ, मैं मेरी बात रखता हूँ और जो हकीकत है इसको लोगों को रियलाइज करा देता हूँ। सभी लोग जानते हैं कि मलाड़ में डेवलपमेंट नहीं हुआ, उसके बावजूद असलम जी के तरफ जो भीड़ बढ़ रही है उसका कारण आप क्या मानते हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा है। भीड़ तो जब राम बारोट जी खड़े थे तभी भी थी, फिर भी हारे कितने वोट से, सॉरी जीते कितने वोट से, 2200। अभी भी लोकसभा इलेक्शन में कितने का ले गए, 950। तो भीड़ से आप सब सबको समझते हैं क्या? वो तो डर की भीड़ है, डराते हैं, बर्थडे के बैनर भी डरा कर लगाते हैं। अभी भी कितने लोगों को फॉर्म पीछे लेने के लिए डराया है, उसकी कंप्लेंट्स हुई है। इसीलिए तो मैंने कहा भय मुक्त मलाड़, मुझे इसीलिए भय से बाहर लाना है। लोगों को नेचुरल राहत की सांस देनी है, उनको नेचुरली जीना देना है। मुझे लगता है आपने मेरी इस पहल का स्वागत करना चाहिए। बिल्कुल, अही तो समाज का हुआ भड़क गया है, और ये हमारे बीजी जीत का स्टाइल है, गलत अन्याय के विरुद्ध धड़क देना। और मैं जिंदगी भर वही करता हूँ तो हमारी जम नहीं, और इसीलिए हम दोनों ने सोचा है नहीं क्या बोला? चलो हम एक साथ कूदेंगे। और उनको आपने देखा होगा तो इनका धड़क कितना स्ट्रांग होता है, हाँ, उनके हाथ में लेखनी भी है, वो पावर भी है और मसल पावर भी है। तो इससे तो मेरा ताकत बढ़ गया है। हम दोनों समाज के लिए जितनी ताकत से लड़ सकते हैं। कटेंगे बटेंगे की बात हो रही है। एक जगह सेफ है और दूसरे जहाँ मुस्लिम का डेढ़ बहुत, मुस्लिम काफी वोटर वोटर है। आप मुस्लिम जो वोट मांग रहे थे कट ऑफ कहीं के बारे में? देखिए सर, एक है तो सेफ है, तो सही है, हम एक है तो भी सेफ रहेंगे। पूरे देश को इकट्ठा जाति धर्म भाषा के सिवा लड़ना चाहिए, हम आपस में ही लड़ते रहते। तो मोदी जी ने वही कहा है, देश को आगे जाना है तो एक होना पड़ेगा। तो मुझे लगता है ये तो सही बात कही है, सही बात का स्वागत करना चाहिए। बोलिए जी, कल रात तो इंडिया और बांग्लादेशों का कोई स्थान नहीं है। आज मालवनी में स्पेशली कांग्रेस वालों ने प्लान करके गलत गलत डॉक्यूमेंट बनाकर रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का नाम एनरोल किया हुआ है। इसीलिए मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, अब इलेक्शन कमीशन से पूछिए। मालवनी में, सॉरी मलाड विधानसभा में सबसे ज़्यादा वोटर एनरोलमेंट लास्ट 5 साल में मुंबई में कहाँ पर हुआ है, तो सेकेंड नंबर का स्थान ये मालवनी को जाता है। और ये कैसे हो गया? तो ये विधायक जी ने अपने लोगों को लगाकर ये सब
बांग्लादेशी और रोहिंग्या को प्लान करके उनको एनरोल किया है। और मेरी मांग यही नहीं है, मैं ये करके लूंगा, सभी बांग्लादेशी और रोहिंग्या को मलाड से मालवनी से उनको जाना पड़ेगा, साथ ही में उनका नाम भी वोटर लिस्ट से जाएगा। इसके लिए मैं पूरी तैयारी से काम में लगने वाला हूँ। अभिजीत जी क्या कहना चाहेंगे, आज आपने मेड़ावा लिखा रखा है, और क्या लगता है मलाड विधानसभा की जनता कितना विनोद जी के पक्ष में है, बीजेपी के पक्ष में? निश्चित तौर पर धड़क कामगार यूनियन महासंघ पूरी तरीके से विनोद जी के साथ में पहले दिन से पूरे ताकत से है। मुझे विश्वास है कि विनोद जी भारी मतों से जीत के आएंगे। पूरे देश में हम आदरणीय देवेंद्र जी, नरेंद्र मोदी जी, आशीष सिन्हा जी, इनके सबके मार्गदर्शन में हम काम करते हैं। एक प्रभावी यूनियन है और हमारे यूनियन का निश्चित तौर पर ये प्रचार में प्रभाव पड़ा है, पड़ेगा, और विनोद जी जीत के आएंगे।